नमस्कार भोजपुरी समाज, मैं आर्यन पांडे, आज आप मिलना चाहता हूँ भोजपुरी जगत के उभरते हुए अभिनेता जो भोजपुरी कटप्पा का नाम से मशहूर है। नमस्ते सभी को, सब भोजपुरी दर्शकन के सब भाई लोगों के नमस्कार बाबा। और हम आई हर्षित वी श्रीवास्तव और मेरे भाई से मुलाकात हुई था। मेरा भाई से बहुत अच्छा आर्यन पांडे जी पी आर ओ हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है। एबरा हमने के बानी जा रण के सेट शूट करते हैं, हमने के लखनऊ में, लखनऊ के पुराना लखनऊ घंटाघर में। तो बस हर्षित जी, ये जो आपकी फिल्म रण है वो भोजपुरी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है जी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म तो वाकई अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना हम देख ले बनी अभी ले क्वालिटी के और कंटेम्प के और इतना बड़ा बजट के फिल्म नहीं थे। बहुत अच्छा एक फिल्म के डायरेक्टर बड़े चंद्रपंत जी जे नहीं रहुआ चले लंदन एक पहले डायरेक्ट कर बड़े। आ फिल्म में हीरो बड़े हमारे बड़ भाई हमेशा हमारा के चाहे लन माने लन आनंद ओझा जी और हीरोइन बड़ी काजल राघवानी। और कल रहा बंजा पिछले करीब 20 दिन से शूटिंग चल रहा है, जोर शोर से काम चला था, बहुत बढ़िया काम करे, मजा आता। हर्षित जी, इस फिल्म में आपका किरदार अहम है, तो बताएंगे दर्शकों से कि क्या किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में? किरदार थोड़ा हमार निगेटिव ही खैर करत नहीं, हम निगेटिव ही करे के बाद तो ये फिल्म में कुछ हमारा लुक कटप्पा टाइप हो गई, तो उससे काफ़ी लोग इम्प्रेस होता, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक हो गई बा और बहुत लोग लाइक करते हैं लुक के। देखी बस कर रहा बानी, चल रहा बा भोजपुरी के एगो अच्छा प्लेटफॉर्म पर ले जाए, तो मेहनत पूरा जोर शोर से चल रहा बानी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बाहुबली का टप्पा भोजपुरी का टप्पा के रूप में बदल चुका है जी? हाँ, आए वाला समय में भोजपुरी भी बहुत बहुत बड़ा ग्रोथ करी, बहुत बड़ बड़ स्टेज पर जाए, आज बढ़िया बढ़िया अवार्ड, बढ़िया बढ़िया नेशनल अवार्ड सब मिले, आए वाला समय में ग्रोथ हो रहा था, बस लागल बनी जाए हमें बढ़िया कुछ कर। हर्षित जी, इस फिल्म के हीरो और रियल सुपरस्टार के नाम से मशहूर आनंद ओझा जी के बारे में क्या चाहिए? फिल्म के हीरो हमारे बड़ भाई लेखा बड़ा हमेशा माने जा सबकर इज्जत करेगा, उनके बारे में क्या कहल जाऊ, वो रियल में भी एगो सुपरस्टार बना, एगो मतलब एगो अपन रियल सुपरस्टार होखला के बावजूद भी वो एगो फिल्म लाइन में इतना टैलेंटेड बड़न कि बस उनकरा के देख के तो हमने के सीखा तो धीरे धीरे बहुत बढ़िया बड़े, बहुत अच्छा लगा था उनका काम। क्या बॉन्डिंग रहती है उनके बीच, आपके और उनके बीच में? सेट पर हमारा बॉन्डिंग उनसे ऐसा बाकी मतलब बड़ भाई से भी बढ़ के उनका से बहुत माने रहन और पूरा सपोर्ट, जहाँ कुछ दिक्कत भइल जहाँ कुछ परेशानी भइल तुरंत अपने आप आके अपने देख के ओकरा के सॉर्ट आउट होला, कैसे का होला चीज़ों के ओकरा के बतावे लन कैसे का है, जहाँ कहीं मटकत तो नहीं, जहाँ कहीं कुछ दिक्कत होता नहीं के बुझा, वो बहुत बढ़िया बखूबी खूब हेल्प करे। इससे पहले आप इन्हीं की फिल्म में आनंद जी की फिल्म में कुंभ में नजर आए थे, डेब्यू भी किए थे? हमारे डेब्यू फिल्म कुंभ बा, आए वाला बा, अभी बहुत जल्द ओकर ट्रेलर आप लोगों के सामने है, उनमें वो निगेटिव कैरेक्टर हम कहिए बनी, बढ़िया कैरेक्टर बा और उम्मीद बा कि दर्शक लोग बहुत पसंद करेंगे, भोजपुरी दर्शक लोग हमारा के अपनहन जाए एक्सेप्ट करिए, बस ये उम्मीद से हम अपन काम कर रहे हैं। भोजपुरी कटप्पा का जो टैग लगा है आप, इससे कितने प्रभावित हैं आप? प्रभावित क्या कटप्पा जी, तो कटप्पा तो एगो बहुत बड़ा एगो हो गए बाहुबली के ब्रांड हो गए कटप्पा, और कटप्पा एगो ऐसा कैरेक्टर है कि ओकरा के इर्द गिर्द भी छुपा बहुत मुश्किल, लेकिन ट्राई करो तरी कोशिश करो तरी कटप्पा के लुक पर, लेकिन थोड़ा कैरेक्टर में हमारा डिफरेंट हुआ, कटप्पा जैसा लुक हमारा बा और बहुत लोग बोल रहे कि लुक एकदम कटप्पा लेकर आओ, तो कटप्पा लेकर एक्सेप्ट कहीं नहीं लोगों ने। जी आप फर्स्ट टाइम काजल राघवानी के साथ काम कर रहे हैं, कितना उत्साह? उत्साह क्या, आज की डेट में तो मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा उनका फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं हमें भी ये लगता था कि काम करना एक नया उनके साथ एक एक्सपीरियंस होगा हमारा, और हमने के बढ़िया कोऑपरेटिव सबके होगा, मज़ा आता काम।